चुनावी खुन्नस में लोगों का पानी किया बंद, लोग एक एक बूंद पानी को तरसे। ठीक सुना आपने, ऐसा ही मामला है हमीरपुर जिले में मौधा ब्लॉक क्षेत्र के पढ़ोरी गांव का। यहां पूर्व प्रधान जिसने प्रधानी रहते अपने घर पर सरकारी सोलर सबमर्सिबल पंप लगवाया हुआ है, उसने चुनाव हार जाने की खुन्नस में अपने पड़ोस के लोगों का पानी बंद कर दिया है, जिससे लोग एक एक बूंद पानी के लिए परेशान हैं और दूसरा हैंडपंप जो लगा है वह खराब पड़ा है। यहाँ भाई साहब पानी की बड़ी दिक्कत है, पानी एक एक बाल्टी को सब लोग खड़ी रहते हैं। एक ठो नल है मोहल्ले में और 15-20 घर हैं, बहुत पानी की परेशानी है और सबमर्सिबल चलता है पर किसी को नहीं भरने देते। क्या करें, सबमर्सिबल है क्या मामला है? वो प्रधान जी को है, जब लगे उसका मन चला तो भरते रहे, फिर नहीं दे, जब से हार गया तो वो दिन से पानी की समस्या बिल्कुल तोड़ दिया, फिर पानी किसी को नहीं भरने दे, 2-4 घर में भरने देता है। अब हम मरे जा रहे हैं पानी प्यासन के मारे, और हमारा परिवार कैसे जिले, और गरीब आदमी हैं, फरुहा कुदारी करते हैं भाई साहब। अब एक एक रोटी को हम तरसते हैं, एक एक बाल्टी पानी को हम नहाने धोने को तरसते हैं भाई साहब, क्या करें क्या ना करें। मामला ये है सर कि ये जो है सरकारी हैंडपंप सौर ऊर्जा के उसमें लगा हुआ है, और ये मोहल्ले के 20-25 लोग हैं, क्योंकि ये जो है अदर कास्ट के हैं, एक्चुअली प्रधान इनसे थोड़ा ज्वेलसी रखता है। अभी इस प्रधानी में कुछ वोट लोगों को नहीं दिए, मान ली कुछ वोटों को वोट नहीं मिल पाए उसको, तो वो हार गया, तो उसके दिमाग में ये है कि इन लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया, इस वोट ना मिलने की खुन्नस में उसी दिन से पानी भरना बंद कर दिया। और इन लोगों की समस्या एक हैंडपंप जो है इसमें आधा आधा घंटा एक एक घंटा पानी नहीं आता है, और बेचारे एक एक डिब्बा के लिए लाइन में खड़े रहते हैं, दिन दिन भर पानी के लिए पानी भरते रहते हैं दिन दिन भर। तो ये बताइए, मजदूर आदमी है, दिन दिन भर अगर पानी भरेंगे ये तो काम कितने टाइम करेंगे, ये खाएंगे क्या? ये सारी समस्याएं हैं। क्या वो सरकारी है लगा? वो सरकारी है, पूर्व प्रधान के यहाँ, पूर्व प्रधान के यहाँ सरकारी है वो। यहाँ यह बताना भी जरूरी है कि पूर्व प्रधान ज्ञानवती, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, पूर्व प्रधान पर गांव की सड़क नाली और खडंजा सहित तालाब की खुदाई के नाम पर धन निकालने का आरोप है, जिस पर हाल ही में जिलाधिकारी के निर्देश पर एक टीम गांव में जांच करने पहुंची थी, जिसकी जांच रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तो वहीं आज फिर प्रधान पर सरकारी सोलर सबमर्सिबल पंप पर कब्जा करने का आरोप लग गया है, जिसकी जांच करते हुए प्रशासन को कार्यवाही करनी चाहिए, साथ ही मौजूदा प्रधान को भी पानी के लिए परेशान लोगों का ध्यान देना चाहिए।